दोस्तों, अब WWE के जो फैंस हैं वो किस तरीके से इन साइंस को WWE के शोज के ऊपर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हुआ है वहां पर दोस्तों ये साइन एक फैन लेकर आया हुआ है और उस साइन के ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है कि डोमिनिक मिस्टेरियो लिम मॉर्गन की गैस को सूंघता है, यानी कि पाद को सूंघता है। तो किस तरीके से दोस्तों जो ये WWE के फैंस है ये शोज के ऊपर इन साइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और ये साइन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और इसी के साथ साथ दोस्तों इनकी जो स्टोरी है वो तो हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर रॉक और रोमन रेंस जो मैच है उसको WWE ने कैंसिल कर दिया। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अंकल हाउडी के बारे में, जहाँ पर दोस्तों अंकल हाउडी ने बो डैलस के साथ अपना करैक्टर यहाँ पर वो प्ले कर रहे हैं बो डैलस, और उन्होंने दोस्तों अपना जो फर्स्ट मैच है वो चैट गेबल के अगेंस्ट में रेसल कर लिया। लेकिन दोस्तों फैक्ट ये है कि जो अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस है उनका लास्ट मैच हमें स्विट्जरलैंड के अंदर एक हाउस शो के अंदर देखने को मिला था, जहाँ पर दोस्तों जो चैट गेबल है वो दोस्तों शोटी जी का करैक्टर वहाँ पर प्ले कर रहे थे और उस मैच के अंदर दोस्तों बो डैलस को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी तो दोस्तों जो बो डैलस है यानी कि जो अंकल हाउडी है वो दोस्तों हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहे हैं और उनकी जो आने वाली फैक्शन है ये वाइट सिक्स, ये WWE कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल करने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गुंथर और रैंडी ऑर्टन के बैश इन बर्लिन प्रीमियम लाइव इवेंट के बड़े मैच के बारे में। तो दोस्तों इस मैच के लिए जो बैटिंग ओड्स है वो हमको ये बताते हैं कि गुंथर इस मैच के अंदर क्लियर फेवरेट है, कि गुंथर इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन को क्लियर तरीके से हराने वाले हैं। और अगर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन गुंथर को हराते हैं तो ये बैश इन बर्लिन के अंदर काफ़ी बड़ा शोकर होने वाला है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में, जहाँ पर दोस्तों केविन ओवेंस के बारे में हमें ये पता चलता है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 मंथ का बचा हुआ है और स्टिल दोस्तों उन्होंने WWE कंपनी के साथ कोई नई डील साइन नहीं करी है। और अब दोस्तों केविन ओवेंस से भी जब इसके बारे में उनके इंटरव्यू में पूछा जाता है तो केविन ओवेंस बोलते हैं कि अभी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 9 मंथ का बचा है, आगे देखते हैं क्या चीज़ें होने वाली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि WWE केविन ओवेंस के साथ नई डील साइन करने ही वाली है, क्योंकि जो केविन ओवेंस है वो WWE कंपनी के लिए काफ़ी बड़े एसेट हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो हेनरी एंड द रॉक के बारे में। तो दोस्तों WWE ने सिंपली अपनी टॉप 10 की जो एंट्रेंस वीडियो है उसको दोस्तों पोस्ट किया था, और इस वीडियो के अंदर और इस टॉप 10 की लिस्ट में अंदर दोस्तों रोमन रेंस की जो एंट्रेंस है वो नंबर 10 पर WWE ने डाली है। और इसके बाद दोस्तों जो हेनरी जो है उनका भी हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि द रॉक भी इस एंट्रेंस वीडियो के अंदर है और मैं भी इस एंट्रेंस वीडियो के अंदर हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस वीडियो के अंदर द रॉक के साथ जो उनका लिंकअप हुआ है उस चीज़ के बारे में उन्होंने यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया है। और ये भी दोस्तों क्लियर है कि आने वाले टाइम के अंदर जो हेनरी है वो हमें मेन रोस्टर के ऊपर और साथ ही साथ WWE कंपनी के साथ देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं रिकोशे के बारे में, जो कि अभी फिलहाल ऑल एलीट का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन रिकोशे ने दोस्तों कुछ ऐसी बातें बोली है जहाँ पर उन्होंने बताया कि जे उसो की जिस तरीके से बुकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है, और अगर जे उसो की बुकिंग ऐसे ही चलती रही तो जे उसो भी AEW कंपनी के अंदर आ सकता है। और ये दोस्तों रिकोशे का मानना है। अब रिकोशे खुद तो AEW कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जे उसो भी AEW कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जे उसो तो स्टिल WWE के साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर उनको ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन का पार्ट भी बनना है, जो कि है ब्लड लाइन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में, जहां पर दोस्तों बॉबी लैशली ने सिंपली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करी, कार में बॉबी लैशली आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों वो बताते हैं कि एक टाइम है मेजर अनाउंसमेंट, और इसके बाद हमें बॉबी लैशली का एक अलग ही ड्रेसअप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों उनका जो ड्रेसअप है वो ब्रोक लेजनर वाला हमें देखने को मिला, जहां पर जो काउबॉय वाले ब्रोक लेजनर आते थे जींस और दोस्तों वो फॉर्मल शूज और उसके बाद शर्ट और उसके बाद ऊपर कैप उन्होंने डाली हुई है, सेम दोस्तों बॉबी लैशली भी हमें ब्रोक लेजनर की तरह ही देखने को मिल रहे हैं। भाई WWE कंपनी से तो बॉबी लैशली जा चुके हैं, लेकिन जो बॉबी लैशली है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हाइप जनरेट करके रखे हुए हैं कि बॉबी लैशली नेक्स्ट जो पाथ है उनका वो किस तरीके से डिसाइड करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है WrestleMania 41 एंड WrestleMania 42 से। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल WrestleMania 41 के मेन इवेंट मैच के बारे में बात करते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये चीज़ लॉक हो चुकी है कि द रॉक और कोडी रोड्स का जो मैच है वो WWE चैंपियनशिप के लिए WrestleMania 40 के अंदर मेन इवेंट होने वाला है।
दोस्तों फैंस ये सोच रहे हैं कि रोमन रेंस का मैच और द रॉक का मैच रेसलमेनिया 40 के अंदर 41 के अंदर होने वाला है, लेकिन अभी दोस्तों रिपोर्ट्स हमको ये बताती है कि रेसलमेनिया 41 का जो मेन इवेंट है वो WWE ने लॉक कर लिया है, जो कि है कोडी रोड्स एंड द रॉक। और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 42 के बारे में, रेसलमेनिया 42 के बारे में, तो दोस्तों रेसलमेनिया 42 की जो रूमर लोकेशन है वो लंदन ही होने वाली है, यानी कि यूके लंदन से हमें रेसलमेनिया 42 देखने को मिलेगी। और रेसलमेनिया 42 के लिए रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का जो मैच है ये होने वाला है रेसलमेनिया 42 में, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर WWE लंदन के अंदर रेसलमेनिया करवाने वाली है, जिसकी वजह से WWE फर्स्ट टाइम एवर ही इस बड़े मैच को रेसलमेनिया 42 के अंदर डालने वाली है। लेकिन अभी दोस्तों बात करें रोमन रेंस के रेसलमेनिया 41 के अपोनेंट के बारे में, तो भाई जिस तरीके से अभी र्यूमर सुनने को मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सोलो सिकोवा वो अपोनेंट होने वाले हैं जो कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 में फेस करने वाले हैं। और ये भाई काफ़ी फद्दू सा मैच होगा अगर हम इसको रेसलमेनिया लेवल से देखें, क्योंकि रोमन रेंस जो बुकिंग हुई है पिछले कुछ सालों में रेसलमेनिया के अंदर, वो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुकिंग थी। और इस बार देखते हैं कि WWE किस तरीके से रोमन रेंस की बुकिंग को करने वाली है। रोमन रेंस और साथ ही साथ जो रेसलमेनिया 41 है वो शायद इस बार काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर से अपने अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।